ये आज तक रेडियो है। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है, उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर है, ये है नामी गिरामी। हरिशंकर परसाई का एक लेख है। लेख क्या है? तस्वीर है, एक लेखक के फटे जूतों के बारे में। लिखते हैं कि उसने कुरीतियों को इतनी बार जूते मारे कि वो फट गए। उसने बेईमानी नहीं की, इसलिए नए जूते भी नहीं खरीद सका। इस लेखक का नाम है प्रेमचंद। नमक का दरोगा से लेकर निर्मला और गोदान जैसे उपन्यासों के लेखक मुंशी प्रेमचंद। नमस्कार, आप सुन रहे हैं नामी गिरामी। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। आज के एपिसोड में कहानी आसान जबान में इंसानी जज्बात की पेचीदा कहानियां लिखने वाले महान कहानीकार प्रेमचंद की। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। प्रेमचंद की शानदार लिखावट के हजारों लाखों उदाहरण हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं पंक्तियों से समझा जा सकता है कि प्रेमचंद प्रेमचंद क्यों है। आजादी के पहले का भारत कैसा था, ये अगर इतिहास के मुश्किल किताबों में ना देखना हो तो प्रेमचंद के उपन्यास या कहानियों की तरफ आया जा सकता है। उनकी उर्दू और हिंदी कहानियों में उस वक्त के हिंदुस्तान की वो जिंदा झलकियां मिलती हैं कि आप उस वक्त में लौट जाते हैं, उस समय के जद्दोजहद, अंग्रेजों की मौजूदगी में सीधे सादे हिंदुस्तानियों की दुश्वारियां उसी वक्त की जबान में खुद को महसूस कर पाते हैं। ये कमाल था प्रेमचंद की कहानियों का। अगर हिंदुस्तान में कहानियां लिखने वालों की एक लंबी फेहरिस्त बनाई जाए तो मकबूलियत के एतबार से जो पहला नाम आएगा वो मुंशी प्रेमचंद का ही होगा। 31 जुलाई 1880 को बनारस के गांव लम्ही में जन्मे थे प्रेमचंद। असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, लेकिन शुरुआत में जब उन्होंने उर्दू में लिखने से शुरुआत की तो नवाब राय के नाम से लिखते थे और फिर मुंशी प्रेम के नाम से लिखा, और वो इतने मशहूर हुए कि आज उसी के नाम से जाने जाते हैं। पिता पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे और वहीं दबाव इन पर भी था। हालांकि बाद में ऐसा भी हुआ कि प्रेमचंद का मात्र 15 बरस की उम्र में ब्याह करा दिया गया। पिता के दम पर गुजर बसर हो तो रही थी, लेकिन साल भर के बाद पिता नहीं रहे और यहां से प्रेमचंद अकेले थे। 16 साल की उम्र में वो कमाने वाले अकेले थे और उन पर 5 लोगों की जिम्मेदारी थी। कई लेखक और कवि अलग अलग मौकों पर कहते रहे कि अनुभव ने उनकी रचनाओं को बनाया। प्रेमचंद के साथ भी ऐसा ही था। उनकी जिंदगी जितनी कठिन हुई, जितनी कठोर हुई, उनकी रचनाएं उतनी ही कमाल। कवि और आलोचक पंकज चतुर्वेदी मुंशी प्रेमचंद के बारे में कहते हैं, बहुत संघर्षपूर्ण था प्रेमचंद का जीवन, और आर्थिक अभाव के कारण वो ऊंची शिक्षा हासिल नहीं कर पाए थे। इसीलिए उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, ये सिफारिश की है अपने लेखन में, कि शुरू से लेकर एमए तक की शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और हिंदी के इतने महान लेखक की शिक्षा जब पूरी नहीं हो पाई तो आप सोचिए अगर वो ऊंची शिक्षा पाए होते तो कितनी और बड़ी मंजिलें फतेह करते। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा उन्होंने लिखा है कि शिक्षा को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए और वो सभी के लिए निःशुल्क होनी चाहिए, मुफ्त होनी चाहिए। प्रेमचंद ने कहानियां लिखने की शुरुआत उर्दू से ही की। उनकी किताब में इस बात का भी जिक्र है कि 13 साल की उम्र से ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। पहले प्रेमचंद उर्दू में नाटक लिखा करते थे, फिर उन्होंने उपन्यास लिखना शुरू किया। प्रेमचंद जिस तरह का साहित्य लिख रहे थे उसके पीछे उनका बैकग्राउंड, उनकी पृष्ठभूमि और देश में अंग्रेजी शासन था जिसे वो खुद जी रहे थे। उनके दिन पैसों की तंगी में भी गुजर रहे थे। पंकज चतुर्वेदी बताते हैं, उनके संघर्ष का बहुत ज्यादा असर है उनकी रचनाओं पर, क्योंकि वो शिक्षा तो पूरी नहीं कर पाए थे अपनी, इसके बावजूद वो शिक्षक हुए और फिर प्रधानाध्यापक हुए, इसके बाद वो शिक्षा विभाग में अधिकारी हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी यहाँ और भारत गुलाम था, तो
तो वो शिक्षा अधिकारी रहते हुए मूल्यों से बहुत गहरी संपृक्ति थी उनकी, बहुत गहरा जुड़ाव था आदर्शों, नैतिकताओं और मूल्यों से, क्योंकि वो स्वाधीनता आंदोलन का जमाना ही ऐसा था। और गोरखपुर में महात्मा गांधी का एक भाषण सुन के वो इतने प्रेरित हुए उससे कि उन्होंने अपनी शिक्षा विभाग के अधिकारी की सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और गांधी के आंदोलन में शामिल हुए वो, क्योंकि वो गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था जिसका आह्वान ही था कि सरकारी नौकरियां छोड़ो और सरकार से असहयोग करो ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में सामान्य कामकाज में ही विफल हो जाए। तो उनके लेखन पर इसका असर ऐसा पड़ा कि वो जिसको एंटोनियो ग्राम्सी ने कहा है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, तो वो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल थे, मतलब प्रेमचंद। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल को हिंदी में कहेंगे अवयविक बुद्धिजीवी, यानी कि एक ऐसा बुद्धिजीवी, एक ऐसा इंटेलेक्चुअल जो समाज में जो जन साधारण रहते हैं उन जन साधारण की ही तरह हो, वन ऑफ देम हो, उनमें से एक हो, और जो जन साधारण से एकात्म होगा वो जन साधारण की तकलीफ को, उसकी विडंबनाओं को समझ पाएगा जितने बेहतर और जितने गहरे ढंग से और जितने सशक्त ढंग से वो समझ करके उनको व्यक्त कर पाएगा, वो प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल उतना नहीं कर सकता है। कहा जाता है कि दूसरी शादी के बाद प्रेमचंद की स्थिति कुछ बदली। इसी दौरान उनकी 5 कहानियों का कलेक्शन सोजे वतन छपा। इसमें उन्होंने मुल्क से मोहब्बत और लोगों की तकलीफों के बारे में लिखा था। बर्तानिया हुकूमत को इसमें बगावत नजर आई। उस समय प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, और फिर क्या था, नवाब राय की खोज शुरू हुई। नवाब राय पकड़ लिए गए और उनकी आंखों के सामने ही उनकी किताब सोजे वतन को अंग्रेजों ने जला दिया। इसके साथ बिना परमिशन के ना लिखने का आदेश भी आ गया, लेकिन इससे बेपरवाह प्रेमचंद लिखते रहे। इसके बाद धनपत राय नवाब राय नहीं बल्कि हमेशा के लिए प्रेमचंद बन गए, और ये नाम सुझाया उनके मित्र मुंशी दया नारायण निगम ने। मुंशी दया निगम उस वक्त उर्दू पत्रिका जमाना के संपादक थे और उन्होंने ही प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न छपवाई थी। कहानियां लिखने वाले प्रेमचंद फिल्मी दुनिया में काम करने और ज्यादा कमाई के लिए मुंबई भी गए थे। आज तक रेडियो में हमारे साथी कुमार केशव इसी दौर का एक किस्सा बताते हैं। जमशेद, 1934 में ही एक फिल्म रिलीज हुई थी, मिल मजदूर, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। इस फिल्म को मोहन भवनानी ने डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस किया था अजंता सिनेटोन ने, और इस फिल्म की कहानी प्रेमचंद ने लिखी थी। खास बात यह है कि इस फिल्म में एक छोटा सा रोल भी उनका था। एक मिल मालिक के बारे में ये फिल्म है, और इस फिल्म के एक सीन को लेकर जबरदस्त विवाद हो गया था। सीन कुछ ऐसा था कि मिल की जो महिला मालिक है वो इसके कर्मचारियों को ही अपने सनकी भाई के खिलाफ हड़ताल करने के लिए उकसाती है। अब इस सीन को लेकर पूरे देश में विवाद हो गया, खासकर मुंबई में जो उस समय टेक्सटाइल मिल्स का हब हुआ करता था, और नतीजतन इस फिल्म को थिएटर से हटा लिया गया। कई मामलों में काफी जोर जबरदस्ती करने के बाद इस फिल्म को सिनेमा हॉल से हटाया गया, और लोग जानकर हैरान होंगे कि इस फिल्म को लेकर प्रेमचंद के बनारस वाले घर के बाहर भी प्रदर्शन हुए थे। हालांकि फिल्मों में ये असफलता इस वजह से भी हुई कि प्रेमचंद का मन भी साहित्य की तरफ ही था। साहित्य की बात करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं कि जो धन और संपत्ति चाहते हैं साहित्य में उनके लिए स्थान नहीं है, केवल वो जो ये विश्वास करते हैं कि सेवामय जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है, जो साहित्य के भक्त हैं और जिन्होंने अपने हृदय को समाज की पीड़ा और प्रेम की शक्ति से भर लिया है उन्हीं के लिए साहित्य में स्थान है, वही समाज के ध्वज को लेकर आगे बढ़ने वाले सैनिक हैं। एक खत में उन्होंने कहा है कि मुझे कार और बंगले की कामना नहीं है, लेकिन मैं 3-4 पुस्तकें लिखना चाहता हूँ। पंकज चतुर्वेदी बताते हैं, ये शब्द के माध्यम में महान साहित्य संभव होता है, तो एक बात तो ये होती है। दूसरी ये है कि जैसे शैलेंद्र गीतकार थे, जो बड़े गीतकार थे और केवल 37 साल की उम्र पाई उन्होंने, उनका भी मन नहीं था। इप्टा में जरूर थे वो, लेकिन फिल्मों के लिए लिखने की उनकी इच्छा नहीं थी। वो कोई क्लर्क की नौकरी करते थे, और राज कपूर ने, जो बहुत बड़े अभिनेता और निर्देशक हुए, उन्होंने शैलेंद्र से संपर्क किया, क्योंकि राज कपूर भी इप्टा में थे, तो उन्होंने शैलेंद्र को रिक्वेस्ट करके बार बार उनको जबरदस्ती एक तरह से लाए वो
फिल्मी दुनिया में, तो एक अच्छे कवि मुख्य धारा के बनना चाहते थे शैलेंद्र, और तो वो उनका फिल्मों में काम करने का मन नहीं था, लेकिन आर्थिक कारणों से वो राज कपूर की प्रेरणा से उन्होंने कुछ गीत लिखे, बहुत सारे गीत फिर लिखे, बहुत कामयाब हुए वो, और केवल 37 बरस की उम्र में उनका देहांत हो गया। प्रेमचंद अपनी रचनाओं में आज भी जीवित हैं। भारत के ग्रामीण जीवन को प्रेमचंद ने आम लोगों की भाषा में बयान किया है। उन्होंने ही गोदान, गबन, निर्मला, कर्म भूमि, सेवा सदन, कायाकल्प, प्रतिज्ञा जैसे उपन्यास दिए हैं, जिन पर आज भी PhD हो रही है। इस वजह से भी वो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे कि उनके किरदार आम आदमी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे मैनेजर पांडे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आज का साहित्य शहरी मध्य वर्ग का साहित्य है, जिसमें उनकी ही जीवन शैली और उनकी ही समस्याओं की बातें हैं। हाल ही के सालों में ये देखा भी गया है कि जिसने किसान जीवन पर लिखा उसे पिछड़ा हुआ लेखक मान लिया गया, और यही प्रेमचंद के साथ भी हुआ। लेकिन साहित्य की दुनिया का यह सितारा किसी सर्टिफिकेट का मोहताज कहां था? प्रेमचंद जी की दोस्ती मशहूर लेखक बनारसीदास चतुर्वेदी से भी थी। दोनों के बीच अक्सर खतों के ताबित हुआ करती थी। इस सिलसिले में बनारसीदास चतुर्वेदी ने प्रेमचंद के इंतकाल के बाद उनके संस्मरणों पर आधारित एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था स्वर्गीय प्रेमचंद जी। इस किताब में उन्होंने उन दो खतों को भी शामिल किया है जो प्रेमचंद जी ने साल 1930 और 1935 में लिखे। इन खतों को पढ़कर प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनकी सादा मिजाजी, उनका देश प्रेम और फकीराना अंदाज इन्हीं खतों से झलकता है। उस खत का एक छोटा सा हिस्सा कुछ यूं है, मेरी आकांक्षाएं कुछ नहीं है। इस समय तो सबसे बड़ी आकांक्षा यही है कि हम स्वराज संग्राम में विजय हों। धन और यश की लालसा मुझे कभी नहीं रही, खाने भर को मिल ही जाता है। मोटर और बंगले की मुझे अभिलाषा नहीं है। हाँ, ये जरूर चाहता हूं कि दो चार उच्च कोटि की पुस्तकें लिखूं, पर उनका उद्देश्य भी स्वराज विजय ही है। मुझे अपने दोनों लड़कों के विषय में कोई बड़ी लालसा नहीं है। यही चाहता हूं कि वो ईमानदार, सच्चे और पक्के इरादे के हों। विलासी, धनी, खुशामदी संतान से मुझे घृणा है। मैं शांति से बैठना भी नहीं चाहता। साहित्य और स्वदेश के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहता हूं। हाँ, रोटी दाल और तोले भर घी और मामूली कपड़े सुलभ होते रहे, बस इतना ही काफी है। उनका यही फकीराना अंदाज था जिसकी वजह से वो सरल जबान में जिंदगी के सबसे मुश्किल फलसफे कह सके, तब भी जब अंग्रेजों ने उनकी किताब चला दी। उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं और तब तक रहेंगी जब तक दुनिया में अन्याय है। प्रेमचंद 1880 की एक बरसात के मौसम में पैदा हुए थे और मरे 1936 के जाड़े की शुरुआत में, बनारस में। फिराक गोरखपुरी ने इस सितारे के बारे में एक शेर कहा था, उससे बेहतर शायद प्रेमचंद की इस कहानी को कोई अंत नहीं मिल सकता। वो शेर था कि बड़े ध्यान से सुन रहा था जमाना, तुम्ही सो गए दास्तां कहते कहते। नामी गिरामी में आज इतना ही। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट बताइएगा हमें radio@aajtak.com पर। आज के नामी गिरामी को प्रोड्यूस किया है रोहित ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं सचिन द्विवेदी। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। युद्ध का आरंभ होना है, अन्याय के विरुद्ध न्याय की हुंकार उठेगी। दंड की सीमा का विस्तार होगा। हे न्याक्ष, मैं वरा तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। यहाँ प्रायश्चित का अवसर भी मिलेगा। प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सत्य असत्य की तुलना की जाएगी। तू क्षमा के लायक नहीं है दुष्ट। शंखनाद हो चुका है, देव और दानव युद्ध के मैदान में हैं, किंतु विजय किसकी होगी? युद्ध के लिए हमेशा क्या दानव ही जिम्मेदार होंगे, या पहल देवताओं की भी होगी? पता चलेगा देव दानव टेल्स में। आज तक रेडियो पर जल्द आ रहा है।